दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर उदय भान सिंह आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जनरल स्टडीज के इस विशेष कार्यक्रम में। आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा ने पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। हम आपके साथ पिछले कई लेक्चर से इकोनॉमिक प्लानिंग के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज उसी अनुक्रम में हम आपके साथ चर्चा करेंगे नीति आयोग के संदर्भ में कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, नीति आयोग का कार्य क्या, इसकी संरचना क्या, इसके गठन का उद्देश्य क्या है इत्यादि पहलुओं को। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इंडिया 31 दिसंबर 2014 को नीति आयोग के गठन की घोषणा की गई। इसी दिन योजना आयोग को भंग किया गया। भंग करने के बाद यह कहा गया 31 दिसंबर 2014 को कि नीति आयोग बनाया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसका गठन एक थिंक टैंक के रूप में किया गया। यह भारत का एक प्रमुख थिंक टैंक, यह एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यह एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में गठित किया गया है। इसका गठन एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया है। इसका गठन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर किया गया। नीति आयोग भारत का एक थिंक टैंक है जो नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करने और केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग, संवाद और समन्वय की संस्कृति विकसित करने पर फोकस करता है। नीति आयोग की संरचना की बात होती है। नीति आयोग की संरचना नीति आयोग की संरचना कि जब बात होती है तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता वह प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
एक पल, नीति आयोग में एक गवर्निंग काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल जिसे शासी परिषद कहा जाता है, इसके भी अध्यक्ष पीएम होते हैं। गवर्निंग काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रतिस्थापित किया। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं वहां के उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं, गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। यह शासी परिषद नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण नीतिगत निकाय है। यह नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण नीतिगत निकाय है, नीतिगत निकाय गवर्निंग काउंसिल है। यह नीतियों का निर्माण करने का मुख्य दायित्व, उसका क्रियान्वयन करने का, क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व इसके द्वारा निभाया जाता। नीति आयोग में रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान किया गया। कहा गया कि नीति आयोग में एक से अधिक क्षेत्रीय परिषदें स्थापित हो सकती हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करें। जैसे हम कहें कि पूर्वोत्तर के संदर्भ में क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण के संदर्भ में या नॉर्थ इंडिया के संदर्भ, इस तरह की क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद यहाँ पर जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वह उन क्षेत्रीय परिषदों से अलग होंगी जो राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार बनाई गई, उनसे हमारा यहाँ पर मतलब नहीं। यह क्षेत्रीय परिषद किसी विशिष्ट मुद्दों को लेकर के, यह क्षेत्रीय परिषद किसी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक मुद्दों को लेकर के बनाई जाएंगे। इन क्षेत्रीय परिषद में संबंधित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग में जो भी क्षेत्रीय परिषद होगी उसका अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होंगे। आपसे पूछा जाए नीति आयोग में कितनी क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया, तो आपका उत्तर होना चाहिए नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषदों की संख्या निश्चित नहीं है, एक से अधिक क्षेत्रीय परिषद बनाई जा सकती है। सबका अध्यक्ष या तो प्रधानमंत्री होंगे या प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति उसका अध्यक्ष होता। अब आते हैं सदस्यगण। नीति आयोग में का जो ढांचा है वह, जो उसका संगठनात्मक ढांचा है उसे अनेक भागों में, अनेक स्तरों, नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा, नीति आयोग का
संगठनात्मक ढांचा नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा। देखिए शुरू में हमने कहा कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, नीति अध्यक्ष पीएम होगा, इसके अध्यक्ष पीएम होंगे, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होंगे। उपाध्यक्ष के बारे में किसी स्पेसिफिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया, कहा गया कि इसका उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति प्रधान सामान्यतया अर्थशास्त्री होगा, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। सुरेश पनगाड़िया इसके पहले अरविंद पनगाड़िया इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे, बाद में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से रिजाइन दिया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक राजीव जी को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। फिर इसमें कहा गया पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। फिर इसके बाद अंशकालिक सदस्य चक्रीय आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। चक्रीय आधार पर नियुक्त जो देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों या अन्य महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूशन है उनसे दो सदस्य लिए जाएंगे बारी बारी से, तो यह अंशकालिक सदस्य होंगे। फिर पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम चार सदस्य पदेन सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा विशिष्ट आमंत्रित सदस्य भी नीति आयोग में होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। कहने का आशय है कि प्रधानमंत्री इसके सदस्यों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कॉरपोरेट स्टाइल पर यहां पर एक CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी प्रावधान किया गया, जो IAS होगा। इसका एक सचिवालय होगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो नीति आयोग में विशिष्ट सदस्य जो होंगे वह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार के सदस्य होंगे। तो नीति आयोग में नंबर ऑफ मेंबर्स निर्धारित नहीं किए गए हैं,
कि अधिकतम इतने सदस्य होंगे, न्यूनतम इतने सदस्य होंगे, ऐसा कुछ भी नीति आयोग में नहीं किया गया। तो मित्रों, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया नीति आयोग की संरचना को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के पिलर क्या है, नीति आयोग के स्तंभ क्या है। नीति आयोग, आयोग के स्तंभ, नीति आयोग, नीति आयोग किस पर टिकाऊ। देखिए, नीति आयोग के सात पिलर, पहला जिस पर नीति आयोग काम करे, लोक हितैषी संस्था के रूप में या लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में, लोक कल्याणकारी संस्था के रूप में काम करेगा। दूसरा पिलर इसका अति सक्रियता, मोर एक्टिव होकर के काम करना, अति सक्रियता। तीसरा पिलर है सहयोग की भावना, सहयोग, नागरिकों की भागीदारी। चौथा सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। फिर पांचवा सर्वसमावेश, सर्वसमावेश। छठा समता, सातवां पारदर्शिता। यह सात नीति आयोग के पिलर हैं जिस पर नीति आयोग को काम करना। पहला क्या, नीति आयोग लोक कल्याण को ध्यान में रखकर काम करेगा, लोक हितैषी बिंदुओं को ध्यान में रखकर काम करेगा। नीति आयोग अति सक्रिय होकर काम करेगा, विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न विषयों के संदर्भ में यह त्वरित गति से निर्णय लेगा। इसमें जो इसमें कार्य करने की इसकी क्षमता होगी, कार्य करने का तौर तरीका होगा, वह काफी तीव्र होगा। इसमें एक्सिलरेशन अधिक होगा। तीसरा सहयोग, नीति आयोग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पर काम करेगा, नीति आयोग लोगों की सहभागिता, विभिन्न गतिविधियों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का काम करेगा। या पीपुल पार्टिसिपेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन पर बल देगा। सशक्तिकरण, नीति आयोग समाज का सशक्तिकरण, समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण, देश का सशक्तिकरण के संदर्भ में नीतियां बनाने, उनको क्रियान्वित करने, सरकारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्य करेगा। सर्वसमावेश, यह सर्वसमावेश की नीति पर आधारित है। सर्वसमावेश का मतलब है सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना। सामाजिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां या सरकार के नीतियां,
कल्याणकारी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में यह सबके समावेश सर्व समावेश पर बल देता, सबको साथ लेकर चलने पर बल देता, भौगोलिक रूप में मानवीय रूप में रीजनल आधार पर सब लोगों की सबकी सहभागिता सुनिश्चित, समता या सभी के साथ समानता का व्यवहार करने पर बल देता है, किसी के साथ समान परिस्थितियों में भेदभाव न करने पर बल देता है। नीति आयोग पारदर्शिता की नीति पर भी काम करता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने पर बल देता है। ट्रांसपेरेंसी नीति आयोग की कार्य प्रणाली ट्रांसपेरेंट होगी, नीति आयोग की कार्य प्रणाली ओपन होगी इत्यादि। तो यहां से भी पीटी में प्रश्न बनेगी कि नीति आयोग के पिलर क्या है, कितने पिलर है, नीति आयोग के बेसिक सिद्धांत क्या है जिन पर नीति आयोग को काम करना। तो यह नीति आयोग के पिलर है, क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नीति आयोग किस प्रकार की संस्था या परामर्शदात्री संस्था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नीति आयोग संघवाद को, आर्थिक संघवाद को, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर कार्य करते। नीति आयोग विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने पर फोकस करती है। नीति आयोग के किस तरह से आर्थिक गतिविधियों में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा, नीति आयोग इस पर अपने को केंद्रित करती। अब प्रश्न उठता है कि नीति आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का गठन किस उद्देश्य के प्राप्ति को लेकर के किया गया। तो देखिए, नीति आयोग के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है वह सक्रियता को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद सहयोग और समन्वय को की संस्कृति स्थापित करने, इस वैश्वीकरण उदारीकरण निजीकरण के दौर में राष्ट्रीय विकास का एक नया एजेंडा तैयार करें। आप कह सकते हो कि नीति आयोग का गठन बदलती हुई वैश्विक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों सामरिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करना जिसमें केंद्र और राज्यों की सक्रिय भागीदारी, उनके बीच सक्रिय सहयोग और समन्वय की भावना, जो आवश्यकता अनुसार केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के माध्यम से संचालित हो। नीति आयोग के गठन के पीछे देश में एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में एक नई संस्था का गठन करना है, करना जो देश में विशेषज्ञों का पूल तैयार कर सके, देश में उद्यमशीलता का वातावरण तैयार कर सके, देश में
देश में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्माण कर सके, केवल नीतियों का निर्माण ही न कर सके बल्कि उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। नीति आयोग देश में एक ऐसे सुशासन पर बल देती है जिससे कि देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को त्वरित किया जा सके। सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। इन सब को दृष्टिगत रखते हुए नीति आयोग का गठन किया गया। क्लियर हुआ? यह तो नीति आयोग के गठन का उद्देश्य मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। नीति आयोग किसी एक उद्देश्य को लेकर गठित नहीं किया गया बल्कि यह मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्टिव है। मुख्य रूप से यह आर्थिक विकास का एक ऐसा एजेंडा तैयार करने, राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने पर बल देता और इस एजेंडे के संदर्भ में केंद्र और राज्यों में सहयोग, संवाद और समन्वय और पिलर जो हमने बताया उनको ध्यान में रख करके इसको कार्य करना। नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नीति आयोग के माइक्रो और पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है और उस पॉलिसी के आलोक में नीति आयोग की विशेषज्ञ टीम कार्य करती है। आज नीति आयोग विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों के संदर्भ में, प्रशासनिक विषयों के संदर्भ में अलग अलग विशेषज्ञ समितियों का गठन किया और उन समितियों द्वारा, विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करके सरकार को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाता है तथा नीति निर्माण के संदर्भ में सुझाव दिया जाता है। तो वर्तमान में नीति आयोग भारत के एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद इतिहास के विषय वस्तु बन गए अर्थात समाप्त हो गए। तो इस प्रकार मित्रों मैंने नियोजन तंत्र में आपको योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग को डिस्कस किया। वित्त आयोग के संदर्भ में हमने पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं। जब हम बजट का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हमने जो है नीति आयोग के बारे में हमने आपके साथ कैसा वित्त आयोग के संदर्भ में चर्चा पर चर्चा किया। तो इस प्रकार हमारा नियोजन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे समावेशी विकास। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।